है ए स्क्वेयर प्लस 5a एंड माइनस 50। ठीक है, तो 50 को यहां पे इस तरह के फैक्टर्स, दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिससे कि उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आए, वो आए 50, एंड जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 5, इसकी मिडिल टर्म के कोफिशियंट के इक्वल। ठीक है, मिडिल टर्म का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 5 हो जाएगा, कितना 10 और 5। ठीक है, एंड यहाँ पे 10 एंड माइनस 5, तो 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है, तो 10 5 इज 50 एंड 10 में से 5 गया तो 5, ये हमारा इसके लिए आ रहा है। तो अब देखिए यहां पे इसको ए स्क्वेयर को राइट करते हैं एज इट इज एंड 5 ए को स्प्लिट कर देते हैं किसमें, 10 ए माइनस 5 ए में, एंड यहां पे इसकी थर्ड टर्म एज इट इज राइट करेंगे, ग्रुपिंग कर लेते हैं इसकी और इसकी। तो यहां पे देखिए इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहां से ए आ गया, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर में से ए अगर बाहर आ गया तो बचा क्या ए एंड प्लस का साइन, 10 ए में से ए बाहर आ गया तो बचा क्या 10। ठीक है, तो 5 ए माइनस 5 ए और माइनस 50, तो यहां से माइनस का साइन, ठीक है, एंड यहां से 5, तो यहां पे देखिए इस माइनस 5 ए से माइनस 5 बाहर आ गया तो बचा क्या ए बचा, एंड यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 10 जा 50। ठीक है, तो a प्लस 10 इन दोनों में क्या है, सेम है, तो इसको मैं एज ए कॉमन राइट कर सकता हूं, तो यहां पे आ गया मेरे पास a प्लस 10। ठीक है, तो a इंटू ए प्लस 10 से अगर a प्लस 10 बाहर आ गया तो बचा क्या यहां पे a, एंड a प्लस 10 यहां पे आ गया इसकी सेकंड टर्म से, तो ये बचा यहां पे माइनस 5, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे a प्लस 10 इंटू ए माइनस 5।